आज के समय में कंप्यूटर में बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा प्रोसेस किया जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा भारी और बारीक काम सिमुलेशंस को बनाने में होता है। कुछ सिमुलेशन वीडियो गेम्स भी होते हैं, कुछ सिमुलेशंस को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया जाता है। कई सिमुलेशन इतिहास की घटनाओं पर भी बनाए जाते हैं, जैसे एज ऑफ एम्पायर्स या रोम टोटल वॉर जैसे स्ट्रेटेजी गेम्स। इस तरह से आजकल सिमुलेशन को बनाया जाता है, पर कंप्यूटर की स्पीड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रोसेसर्स की ताकत पिछले 2 दशकों में ना जाने कितनी गुना बढ़ चुकी है, और साथ में हार्ड डिस्क की स्टोरिंग कैपेसिटी भी। इसी तरह आज से 50 साल बाद उस समय के कंप्यूटर आज के कंप्यूटरों से लाखों गुना ज़्यादा तेज और शक्तिशाली हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी, उतना ही ज़्यादा बेहतर सिमुलेशन, जो आज के बनाए हुए सिमुलेशन से भी कई हज़ार या लाख गुना ज़्यादा बड़ा और असली मालूम पड़ेगा। यहाँ तक कि भविष्य में एक ऐसा समय भी आ सकता है जिसमें उन सिमुलेशन में बनाए गए पात्रों के अंदर हम इंसानों की तरह कॉन्सियसनेस आ जाए और उन्हें पता भी ना चले कि वो इंसानों के हाथों बनाए गए एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं और उस गेम को ही अपनी ज़िंदगी समझने लगें। आपको ये सब असंभव लग रहा होगा, पर हार्वर्ड का ओडिसी सुपर कंप्यूटर 14 बिलियन सालों का सिमुलेशन सिर्फ कुछ ही महीनों में बना के दिखा सकता है। पृथ्वी पर पाई गई विशिष्ट अवस्था। पृथ्वी ग्रह को देखने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके निर्माण की घटना प्राकृतिक नहीं है। ये ग्रह देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने इसे जानबूझकर इंसानों के लिए बनाया था, उन सारे हालातों के साथ जिससे यहाँ पे जीव जन्म ले सकें और जीवित रह सकें। इंसानों के अस्तित्व के बने और बचे रहने के लिए किसी भी ग्रह पर कुछ शर्तों और हालातों का होना बहुत ज़रूरी है, और उस हिसाब से हम बहुत खुशकिस्मत हैं। पृथ्वी की दूरी सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर्स है, जो एकदम सटीक दूरी है, जिससे हमें जितनी गर्मी चाहिए उतनी ही मिलती है। हमारा सूरज ना ही कोई बौना तारा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से ये रोशनी और गर्मी हमें उतनी ही देता है जितनी हमें इसकी ज़रूरत है। पृथ्वी सूरज का चक्कर भी इतनी परफेक्ट टाइमिंग से लगाती है कि सतह को गर्म और ठंडा होने का एक सटीक गैप मिल जाता है। अगर हर चीज़ वाकई में कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो कुछ भी हमारे सामने है, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड और पृथ्वी एक प्रोग्रामिंग पे काम कर रही हो सकती है। इस थ्योरी के मुताबिक इस चीज़ के पीछे कोई ज़रूरी नहीं कि आधुनिक इंसान ही हो, बल्कि हमारी पृथ्वी एलियंस की बनाई हुई कोई चीज़ हो सकती है, जिसमें वो मनुष्यों को पैदा करके किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हों। विजिबल फ्लॉज एंड ग्लिचेज इन वर्चुअल रियलिटी। हो सकता है हम वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हों और हमें इसके बारे में पता ना हो, ना ही कभी हमें इसका एहसास हुआ हो, पर इस बात को वैज्ञानिक सीरियसली ले रहे हैं और इस चीज़ पर टेस्ट भी होना शुरू हो चुके हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में हम किसी मैट्रिक्स में रह रहे हैं। इस समय फिजिसिस्ट हमारी वास्तविक दुनिया की खामियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें ग्लिच कहा जाता है। इन ग्लिचों को पकड़ लेने के बाद हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन ही है, इसका बहुत बड़ा सबूत हाथ लग सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिकल साइंस ब्रांच के प्रोफेसर जॉन डी बैरो की रिसर्च पर यह चीज आधारित है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ठीक जैसे हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में ग्लिच आ जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा ब्रह्मांड अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम से बना है, तो इसमें भी इन खामियों को पकड़ा जा सकता है। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की ही तरह यूनिवर्स भी अगर एक प्रोग्राम है, तो इसको भी काम करते रहने के लिए इसके नए अपडेट करते रहने पड़ते होंगे। अगर कोई ऐसा सिमुलेशन है जो इतना एडवांस्ड है कि इसके अंदर रह रहे लोगों को भनक तक ना लगे कि वो इस सिमुलेशन का हिस्सा है, तो वो अपने आप को एक जीता जागता सांस लेता हुआ प्राणी समझेंगे। ये सच भी है, पर हो सकता है ये सब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा हो। लेकिन सिमुलेशन चाहे कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी आएगी ही, जिसे हम ग्लिच कहते हैं या बग, जो प्रोग्राम के ठीक तरह से चलने में रुकावट या गड़बड़ी लाते हैं। हो सकता है हम ऐसे ही कुछ ग्लिचेस को रोज अनुभव करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसे डेजावू कहते हैं। जब हमें लगता है कि इस चीज को, इस जगह को आपने पहले भी कभी देखा, सुना और महसूस किया है।
अगर हम इसे एक सिमुलेशन की खराबी की तरह देखें तो ये ठीक एक सीडी में लगे स्क्रैच की तरह है। जब सीडी स्क्रैच की वजह से आगे या पीछे रिवाइंड हो जाती है और हम बाद में आने वाली चीज़ को पहले ही देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर नेचुरल चीज़ों की, जिसमें आत्माओं को या चमत्कारों को देखे जाने की बात की जाती है। इन चीज़ों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये भी इस सिमुलेशन के ग्लिच का हिस्सा हो सकते हैं। हम सब ने ये सब चीज़ें कभी ना कभी महसूस ज़रूर की हैं, और सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक ये सिमुलेशन कोड में बग्स लग जाने की वजह से होता है, यानी प्रोग्राम में गड़बड़ी या रुकावट आ जाना। और जिन चमत्कारों के बारे में हमने सुना है, जिन चमत्कारों को जिन लोगों ने दिखाया है, हो सकता है उनको इस सिमुलेशन का रहस्य पता चल गया हो और इसे तोड़कर वो एक जगह से दूसरी जगह पर आंख बंद करते ही पहुंच जाते हों। ठीक उस तरह से जिस तरह हम वीडियो गेम्स में चीट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रियलिटी। नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक कानून इस बात को तय करते हैं कि चीज़ें किस तरह से मौजूद हैं और वो काम कैसे करती हैं। लाइट की मैक्सिमम स्पीड 1080 मिलियन किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इससे ज़्यादा इसको किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे तेज़ कोई चीज़ चल ही नहीं सकती। यहाँ पे स्पीड अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुँच चुकी है। लेकिन क्यों इससे ज़्यादा तेज़ कोई चीज़ नहीं चल सकती, इसको भी विज्ञान समझ नहीं पा रहा है। हमारे नेचुरल लॉज ठीक एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह हो सकते हैं, जिनकी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क के जरिए पहुंचाने की एक लिमिट है। इसीलिए इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि अगर वाकई में हम एक सिमुलेशन में हैं, तो लाइट की स्पीड से तेज किसी और चीज़ के ना चल पाने का कारण हो सकता है कि इससे ज़्यादा तेज किसी चीज़ की रफ्तार को इस सिमुलेशन में प्रोसेस ही नहीं किया जा सकता, और अगर कोशिश की गई तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। फर्मी पैराडॉक्स। सन 1950 में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने खुलासा किया कि अगर ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारे हैं और खरबों ग्रह मौजूद हैं जो अपने तारों का चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये कैसे संभव है कि हमारे ग्रह पर या आसपास आज तक एलियंस नहीं पहुंचे, क्योंकि ऐसे भी ना जाने कितनी गैलेक्सीज हैं जो हमारी गैलेक्सी से भी अरबों साल पुरानी हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई ना कोई सभ्यता तो होगी ही जो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड होगी, जिनके पास अंतरिक्ष में सैर करने की क्षमता हमसे भी कई हज़ार गुना ज़्यादा होगी। अगर हम इस तर्क पर चलें तो कभी ना कभी एलियंस पृथ्वी पर आए ज़रूर होंगे। हालांकि ये हो सकता है कि एलियंस ने जानबूझकर हमें उन्हें देखने नहीं दिया हो, क्योंकि हो सकता है वो हमसे संपर्क ना करना चाहते हों। अब हम अगर सिमुलेशन थ्योरी के बारे में बात करें, तो हो सकता है कि इस सिमुलेशन को सिर्फ हम इंसानों या पृथ्वीवासियों के लिए ही बनाया गया हो। इसीलिए सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन का पाया जाना एक सबूत हो सकता है कि हम एक सिमुलेशन में रहते हैं, और जिन्होंने इस सिमुलेशन को बनाया है उन्होंने जानबूझकर कहीं और जीवन नहीं बसाया, सिर्फ ये देखने के लिए कि अकेले इंसान क्या करते हैं। अगर इसके बारे में और गहराई में जाकर बात की जाए तो ब्रह्मांड में और भी जगह सभ्यताएं ग्रहों पर मौजूद हैं, पर इस सिमुलेशन को बनाया ऐसा गया है कि दूसरे ग्रह, सौर मंडल या किसी दूसरी आकाशगंगा में बसी सभ्यता के बारे में हम जान ही ना पाएं और खुद को ब्रह्मांड की एक लौती सभ्यता समझें। हमारा ब्रह्मांड मैथ के कोडों से बना है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें इंसान के डीएनए को समझने के लिए कंप्यूटर की सहायता ली गई थी, इसी तरह ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को उजागर करने के लिए मैथ का इस्तेमाल किया गया है। एक तरह से हम ब्रह्मांड के सवालों का जवाब शब्दों की बजाय मैथ से ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। अगर हर चीज़ मैथमेटिकल है तो हर चीज़ को बाइनरी कोड में तोड़ा जा सकता है। अगर कंप्यूटर कभी इतने आधुनिक हो जाएं कि वो जीनोम सीक्वेंस का इस्तेमाल करके एक इंसान को कंप्यूटर के अंदर जन्म दे दें, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया को एक कंप्यूटर के अंदर बसाया ना जा सके। वैज्ञानिक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये चीज़ कोई पहले ही कर चुका है, जिससे हमारी दुनिया अस्तित्व में आई। सन 2012 में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जेम्स गेट्स ने एक कंप्यूटर कोड को खोज निकालने की चर्चा की। इस कोड का आज के समय के ब्राउज़र और सर्च इंजनों में इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस कंप्यूटर कोड की इक्वेशंस का ही इस्तेमाल ब्रह्मांड के मौलिक तत्वों को भी समझने के लिए किया जा रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि हमने अपने अस्तित्व के लिए जिम्मेदार कोड के इन टुकड़ों को ढूंढ निकाला है। जिसे हम मान लेते हैं वही हमारी सच्चाई में बदल जाता है। इस बात को सच साबित करने के लिए डबल स्लिट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस बेसिक एक्सपेरिमेंट में एक लेजर बीम जैसी चमकीली लाइट को सामने रखी दो पैरेलल प्लेटों पर छोड़ा गया, जो उन प्लेटों को आर पार चीरती हुई पीछे निकल जा रही थी। जो रोशनी उन प्लेटों से छन कर निकल रही थी, उनका निरीक्षण पीछे रखे एक पर्दे पर किया जा रहा था। इस लाइट के वेव नेचर होने की वजह से प्लेटों के बीच में बनी दरार से गुजरते हुए ये वेव नेचर की लाइटें आपस में दखल दे रही थीं, जिस वजह से पर्दे पर चमकदार और गाढ़े रंग के धब्बे बन रहे थे। पर इस एक्सपेरिमेंट की सबसे अजीब बात थी कि लाइट अपने आप अपनी हरकतों को बदल रही थी। चाहे वो लाइट पार्टिकल्स हों या वेव हों, उनका बर्ताव उस बात पर निर्भर कर रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि लाइट अपनी हरकतों को बदल देती है अगर उसे कोई देख रहा है, और जब कोई उसे नहीं देख रहा होता है तो वो दूसरी तरह से बर्ताव करती है। फिजिक्स विषय का ये अनसुलझा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, पर ये एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं तो रियलिटी हमारे चुनाव, पसंद और विकल्प से अपने आप एडजस्ट होकर बदल जाती है। 1965 में इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मूर ने कहा था कि जिस तरह टेक्नोलॉजी में सुधार आ रहा है, ये हर साल दुगनी रफ्तार से आगे निकलती जा रही है, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये अब रुकने वाली नहीं है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी उन्नति करती जा रही है, वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ों के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये किस मुकाम पे पहुंच जाएंगी और ये हमारी दुनिया के बहुत करीब आ जाएंगी। पिंग पोंग नाम का गेम सन 1972 में रिलीज किया गया था, जिसमें सिर्फ दो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर शेप का डॉट होता था। 45 साल बाद हमारे पास हूबहू असली जिंदगी जैसे दिखने वाले फोटो रियलिस्टिक वीडियो गेम्स आ चुके हैं, जिसमें हम अकेले ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी कोने पर बैठे लोगों के साथ मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हैं। अगर हमसे पहले किसी सभ्यता ने इतनी रफ्तार से तरक्की की होगी तो हो सकता है कि हम उन्हीं की बनाई हुई वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जी रहे हों। ये भी हो सकता है कि हम उनका बीता हुआ अतीत हों, जिनको उन्होंने सिमुलेशन बनाकर किसी यादगार के तौर पर या किसी काम में लाने के लिए रखा हुआ है। हमारी दुनिया एक ओपन वर्ल्ड गेम की तरह काम कर रही हो सकती है। अब हम ओपन वर्ल्ड गेम्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह के गेम्स में खुली दुनिया होती है और आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, जहां जाना चाहे जा सकते हैं, कितनी भी दूर। पर हमें दिखाई उतना ही हिस्सा देता है जितनी जगह को हम एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। अगर हमारी दुनिया वाकई में एक सिमुलेशन है तो ये ठीक इन्हीं गेम्स की तरह हो सकता है काम करती हो। नज़र की पहुँच से दूर चीज़ें हो सकता है होती ही ना हो, और वो तभी सामने बन के आती हों जब हम वहाँ पहुँचते हों। इन गेम्स को इस तरह इसलिए बनाया जाता है ताकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बचाया जा सके, नहीं तो इतने लोड के बाद गेम हैंग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारी दुनिया भी ऐसी ही हो सकती है। अब उन चीज़ों का क्या जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ हम कभी गए ही नहीं हैं, जैसे कि हमारे ग्रह से बाहर की चीज़ें, दूसरे ग्रह, दूसरी आकाश गंगाएं। तो इसका जवाब है कि सिमुलेशन को उन हिस्सों को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो तब तक बंद पड़ी रहेंगी जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते। बाकी टेलीस्कोप से हम जब उन्हें देखने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है अंतरिक्ष की मिली ये तस्वीरें सिर्फ तसल्ली देने भर के लिए बनाई गई हों, जो देखने पर उभर के सामने आ जाती हों। हमारे पास खुद का भी कोई पक्का सबूत नहीं है कि हम खुद भी हैं कि नहीं, कम से कम जो हम अपने आप को समझते हैं। हम अपने बीते कल के बारे में सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई थीं, क्योंकि इनकी यादें हमारे मन में हैं, ये हमारे अतीत का हिस्सा हैं, इनसे जुड़ी तस्वीरें और वीडियोज़ हमारे पास हैं। पर क्या पता ये सब हाल ही में लिखा गया कोई कोड हो, और क्या पता आपके जीवन की शुरुआत तब हुई हो जब आखिरी बार आपने पलकें झपकाई थीं।